हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के प्रथम चैप्टर कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताए थे। आज उसी क्रम में हम आगे के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करना बताएंगे और आज के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो पहले न्यूमेरिकल्स की अपेक्षा थोड़ा हार्ड रहेंगे, इसलिए पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखने का प्रयास करना। और आप सभी लोग जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे जाएँ ये कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप अपने एक एक चैप्टर को विधिवत ढंग से तैयार करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3×10⁻⁹ तथा 160/3×10⁻⁹ कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। यानी दो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है, आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, दो गोलियाँ दी हुई हैं, ठीक है। पहली गोली पर उन्होंने आवेश मान लीजिए Q1 दे दिया, वो दिया है 80/3×10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और दूसरी गोली पर हमने मान लिया कि आवेश आपका कितना है Q2, वो आपको दिया हुआ है 160/3×10⁻⁹ कूलाम। और इन दोनों गोलियों के बीच की जो दूरी जिसको हम R से लिखते हैं वो दिए 0.10 मीटर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर 0.1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है इन दोनों गोलियों के मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F की गणना करना है। तो कूलाम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है 1/4πε₀ Q1 Q2/r², ठीक है। कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा और हमने पढ़ाया भी इसके पहले क्लास में। यहाँ से अगर हम वैद्युत बल F निकालेंगे तो 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9×10⁹। Q1 की अगर बात करें तो पहले आवेश की वैल्यू है आपकी 80/3×10⁻⁹ और Q2 दूसरे आवेश की अगर बात करें तो दी हुई है 160/3×10⁻⁹ बटे में आ जाइए R², यानी दूरी का स्क्वायर करना है हमें 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर आती है कैलकुलेशन को कितनी इजी तरीके से हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना, आप बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करना सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए 3 और 3 बटे में लिखा है, 3 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9। अब ऊपर देखें कहीं 9 है, हाँ ऊपर 9 है, तो ये 9 और ये 3 3 का 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 10⁻⁷ वाले कितने पद हैं। एक यहाँ पर 10⁻⁹, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁹। देखिए 10⁻⁹ और 10⁻⁹ आधार समान है, तो -9 और +9 जुड़ेगा तो 10⁻⁷ आपका कितना हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर बचा 80, ठीक है, और बचा आपका 160 और ×10⁻⁹ बटे में आ जाइए। 0.1 के स्क्वायर का मतलब है 0.1×0.1, ठीक है, दो बार उसको ले सकते हैं स्क्वायर का मतलब। अब हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या 10 बढ़ा सकते हैं ऊपर, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसलिए यहाँ पर 10 आपका बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, F इक्वल टू 16 और 8 का गुणा करोगे 128 हो जाएगा, 20 और 20 मिला के आपके ये हो जाएंगे 40, ठीक है, ×10⁻⁹। आई बात समझ में, इसको और थोड़ा सूक्ष्म रूप से सॉल्व करोगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आगे दशमलव लेकर आओगे 1.28 लिखने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 10⁶, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या आगे दशमलव किस कारण, तो 10⁶ हो जाएगा और ×10⁻⁹। इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.28×10⁻⁹, ये 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैद्युत बल आ गया। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, यदि इन दो गोलियों को हम क्षण भर के लिए क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है, यानी संबंधित कर दें, तो यहाँ पर लिखोगे दोनों गोलियों को क्षण भर के लिए संबंधित करने पर देखिए, जब दो गोलियों को क्षण भर के लिए संबंधित किया जाएगा तो जो दोनों गोलियों पर आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब वो कितना होगा वो देखिए यहाँ पर निकालेंगे, औसत आवेश Q=Q1+Q2/2, यानी दोनों गोलियों पर जो आवेश है उसके योग का आधा प्रत्येक गोली पर आवेश हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर देखें तो क्यू स्क्वायर टू क्यू वन की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है आपकी 80/3, ठीक है, 10^-9 कॉमन ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाइए यहाँ पर, क्यू टू की वैल्यू कितनी है 160/3, और दोनों में आपका कॉमन मिल जाएगा 10^-9, 2, तो आवेश क्यू स्क्वायर टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपके आधार सेम है ना, एक आधार ले लीजिए 160 और 80 आपका हो जाएगा 240 और गुणे 10^-9। अब इस दो का मल्टीप्लाई हम इस नीचे वाले हर से कर सकते हैं ना, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 × 6 और 6 × 4 कितना होता है 24, तो ये क्यू स्क्वायर टू आपका हो जाएगा 40 × 10^-9, ठीक है, यानी प्रत्येक गोली पर जो आवेश की मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 × 10^-9। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें वैद्युत बल की गणना करनी है, तो यहाँ पर दोनों पर क्या हो गया, आवेश 40 × 10^-9 कूलाम हो गया, तो इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत बल लिखेंगे, तब एफ इक्वल टू सूत्र होता है 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9×10^9, फिर Q1 Q2, अब दोनों Q1 Q2 क्या है, सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 × 40 × 10^-9 − 9 − 18, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में आ जाएं, आर स्क्वायर दूरी कितनी है आपकी 0.1, तो 0.1 × 0.1 क्योंकि आर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब दो बार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ स्क्वायर टू आपका कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आपके 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लीजिए, गुणा लगाइए और 1 जीरो आप इसी के आगे इसी में बढ़ा लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद गुणा लगा दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 4 का गुणा हो जाएगा आपका 16, 1, 2, 3 और ये आपके 4 जीरो हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब उसके बाद 10^9 और 10^-18, ये 10^ आपका −9 हो जाएगा, यहाँ तक आप लोगों के सामने आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है, f इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 16 × 144, ठीक है, हो गया 144, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 गुणे 10^-9, इसको आगे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे मिक्स ना होने पाए, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आगे दशमलव बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1.44 × 10^, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गुणे 10^-9, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसी के आगे अगर सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1.44 × 10^-6 − 9 − 9 से 6 जाएगा तो ये 10^-3 बच जाएगा, क्योंकि ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो जब दोनों गोलियों को हम क्षणभर के लिए संबंधित कर देंगे तो जो बल की मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 1.44 × 10^-3 न्यूटन, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब इसी क्रम में अगला न्यूमेरिकल हमारा आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, दो धन आवेश हैं और वो क्या है, परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, चूँकि सेम आवेश हैं तो सेम आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग जो है वो 9 μC है, ठीक है, तो उनके अलग अलग मान बताइए, यानी Q1 Q2 की अलग अलग वैल्यू बताइए। तो उन्होंने पहले दिया क्या क्या है उसको हम नोट करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा दो धन आवेश हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी दी है 0.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, और इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एफ इक्वल टू आपका दिया है 18 न्यूटन, ठीक है, बल आपका 18 न्यूटन दिया है। इन्होंने कहा यदि दोनों आवेशों का योग, यानी Q1 और Q2 दो आवेश, इनका योग इन्होंने दे दिया है 9 μC, तो इन्होंने पूछा है कि दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 का मान अलग अलग फाइंड कीजिए। देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासों में 2 समीकरणों को सॉल्व करना सीखा होगा, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे एक समीकरण में आपका x + y = 9 दिया है मान लीजिए, और दूसरी समीकरण यदि x - y = आपका कोई संख्या मान लीजिए 8 मिल जाए,
तो इन समीकरणों को सॉल्व करना आसान हो जाता था। कहने के मतलब दोनों को जोड़ देते थे, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, ये आपका क्या होता था, जीरो हो जाता था और एक्स एक्स टू एक्स हो जाता था और इसको हम सॉल्व कर लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हमें क्यू वन प्लस क्यू टू की वैल्यू दी है, हम पहले क्या निकालेंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू। अब क्यू वन माइनस क्यू टू निकालने के लिए हमें क्यू वन क्यू टू की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, हमें सूत्र पता है एफ इक्वल टू होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र पता है ना। तो यहाँ से देखें तो एफ की वैल्यू 18 न्यूटन इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू वन क्यू टू की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, दूरी की वैल्यू है 0.1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 गुणे 0.1, स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार गुणा। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 18 गुणे 0.1 गुणे 0.1, ठीक है, यहाँ पर कैंची गुणा हमने किया है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये आपको हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे क्यू वन और क्यू टू। तो यहाँ से अगर हम क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 0.1 गुणे 0.1 और बटे में ये संख्या पूरी बटे में आ जाएगी तो 9 इंटू 10 की पावर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एक कम 9, 9 दुनिया आपका हो जाएगा 18। इस पॉइंट को यहाँ पर हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, गुणे 10 की घात 9 और ये 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है, तो 10 की घात 2, 10 की घात 9, 10 की घात 11 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 11 इक्वल टू क्यू वन और क्यू टू। चूँकि आपके जो आवेश दिए थे वो माइक्रो कूलम में दिए थे, इसलिए इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप ले सकते हो 20 गुणे 10 की घात माइनस 12 इक्वल टू क्यू वन और क्यू टू, ठीक है, 20 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिखिए या 2 गुणे 10 की घात माइनस 11, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ से क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू हमें पता हो गई, ठीक है, लेकिन अभी अलग अलग नहीं पता हुई। तो अब हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर माइनस 4 क्यू वन क्यू टू। ये सूत्र आप लोगों ने ए प्लस बी के रूप में पढ़ा होगा क्लास 8th में, ठीक है, या 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर होता है सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान लीजिए हमें मान दिया है क्यू वन प्लस क्यू टू और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के पश्चात इस समीकरण को जोड़ देंगे, क्यू टू कैंसिल हो जाएगा और क्यू वन की वैल्यू आ जाएगी। जब क्यू वन की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे और हमें दूसरे आवेश की वैल्यू भी आ जाएगी, हम यही यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सूत्र जो हम लगा रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू का मान दिया है 9 माइक्रो कूलम, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, माइक्रो का मतलब क्या होता है माइनस 6, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4 गुणे क्यू वन क्यू टू की वैल्यू दी है 20 गुणे 10 की घात 20 गुणे 10 की घात माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर करेंगे 81 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12, और माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, देखिए 4 का गुणा 20 से करेंगे हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस का 12, ये आपका हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में अगर देखें तो ये 81 माइनस 80 हो जाएगा और 10 की घात माइनस 12 क्या मिल जाएगा कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू, ये होल स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, 81 से 80 जाएगा एक बचेगा गुणे 10 की घात माइनस 12, माइनस 12 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा एक बाहर निकलेगा अंडर रूट से एक हो जाएगा, 10 की घात माइनस 12 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, या इसको हम ले सकते हैं एक माइक्रो कूलम, ठीक है, 10 की घात माइनस 6 का होता है मतलब माइक्रो, ठीक है, तो ये आपका आवेश है तो ये एक माइक्रो कूलम लिखा जा सकता है। तो क्यू वन माइनस क्यू टू की वैल्यू आ गई एक माइक्रो कूलम, ठीक, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 2 और ये जो समीकरण थी दोनों आवेशों का योग इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी यदि इस समीकरण और इस समीकरण को हम जोड़ लें तो जोड़ेंगे तो क्यू वन प्लस क्यू टू है ये, ठीक है, और ये है आपका प्लस का क्यू वन माइनस क्यू टू, LHS को जोड़ा, RHS में आपका दिया 1 माइक्रो कूलम और इधर दिया 9 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम प्लस 9 माइक्रो कूलम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर कूलम है, गलती नहीं करना,
तो ये देखिए क्यू टू माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन हो जाएगा, टू क्यू वन इक्वल टू एक माइक्रो कूलम, नौ माइक्रो कूलम, ये आपका हो जाएगा दस माइक्रो कूलम, दो से दस को काटेंगे तो क्यू वन इक्वल टू आपका आ जाएगा पाँच माइक्रो कूलम, कितना आ गया पाँच माइक्रो कूलम, यानी पहले आवेश की वैल्यू आ जाएगी पाँच माइक्रो कूलम। अगर मैं देखूँ तो हमें दिया था क्यू वन प्लस क्यू टू यानी दोनों आवेशों का योग दिया था नौ माइक्रो कूलम, अब मैंने क्यू वन की वैल्यू फाइंड की पाँच माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर रखेंगे पाँच माइक्रो कूलम प्लस क्यू टू इक्वल टू नौ माइक्रो कूलम, तो क्यू टू इक्वल टू हमारा आ जाएगा नौ माइक्रो कूलम, पाँच माइक्रो कूलम को उधर ले जाएंगे तो माइनस का पाँच माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो यहाँ से जो दूसरे आवेश की वैल्यू क्यू टू की आ जाएगी नौ से पाँच जाएगा चार माइक्रो कूलम, अर्थात हमें जो पहले आवेश की वैल्यू फाइंड होगी वो चार पाँच माइक्रो कूलम और दूसरे आवेश की जो वैल्यू फाइंड होगी वो चार माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने किया क्या है ज़रा एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर दो आवेशों की वैल्यू दी थी तो हमने सर्वप्रथम दोनों आवेशों के गुणनफल का मान निकाला, ठीक है, क्यू वन क्यू टू की, और उसके बाद क्यू वन प्लस क्यू टू की वैल्यू पता थी। फिर हमने एक सूत्र का यूज किया है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। देखिए बाय वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है वो इस सूत्र के बारे में ना जानते हो। तो आप लोगों को ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये सूत्र सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप किया गया जो कि मैथ वाले स्टूडेंट जान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस टू ए बी घटा दें और प्लस टू ए बी जोड़ दें तो इस सूत्र में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुनः, और माइनस टू ए बी आपका हो जाएगा माइनस का फोर ए बी, और इसी सूत्र का जो यूज है हमने वो यहाँ पर किया है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है हमें Q1 माइनस Q2 की जरूरत थी, क्योंकि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता थी और दोनों को हम जोड़ देंगे तो Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा और Q1 की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने इस सूत्र का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन तो हमारा अगला न्यूमेरिकल इसी क्रम में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर एक सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यदि ये परस्पर पॉइंट एक न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा तीन है और न्यूमेरिकल नंबर ये तीन कहता है कि दो गोले हैं, इनको परस्पर आपस में रगड़ने के पश्चात एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, ठीक है, और ये एक दूसरे को कितने बल के न्यूटन से जो है आकर्षित करते हैं, पॉइंट एक न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित कब करेंगे, जब दोनों पर विपरीत आवेश होगा, यानी एक पर प्लस चार्ज होगा एक पर माइनस, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित तो करते नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं ना। तो अब समझने वाली बात ये है कि जब दो गोलों को परस्पर यानी ये गोला ए है ये गोला बी है रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात जितने इलेक्ट्रॉन एक गोले से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर क्या होंगे स्थानांतरित होंगे, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉनों की इधर आपकी कमी होगी, कमी को हम प्लस चिन्ह से लिखते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की इधर क्या होगी अधिकता होगी, होगी ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित हुए, ठीक है, कम या ज़्यादा हुए, उनकी वैल्यू निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हुए, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। हम कूलाम के नियम से पढ़े हैं कि एफ इक्वल टू होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आवेश, ठीक है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटे आर स्क्वायर, क्योंकि दो गोले हैं ना दोनों पर क्यों क्यों गुड़े क्यों यानी क्यों स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रकृति इनके विपरीत रह गई थी लेकिन आवेश नहीं बदला है, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम ज़्यादा हुए, आवेश थोड़े बदला है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुए, ठीक है, तो इसलिए प्लस क्यों और माइनस क्यों और क्यों क्यों का गुड़ा करेंगे तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट वन इक्वल टू वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन और Q इक्वल टू होता है NE, तो यहाँ पर NE लिखोगे चूंकि Q स्क्वायर है तो N स्क्वायर E स्क्वायर हो जाएगा और बटे में ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बराबर आपका होता है यहाँ पर समझ लीजिए एक सेंटीमीटर R इक्वल टू दिया है, इसको हम ले सकते हैं 10 की पावर माइनस दो मीटर, ठीक है ना, एक सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस दो मीटर होता है। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस दो
मीटर इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा 0.1। देखिए यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे हम, 10^-2 का स्क्वायर करेंगे, 10^-4 और 10^-4 का गुणा हो जाएगा 0.1 से, तो ये 10^-4 बटे में अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 9 और गुणे 10^9। और यहाँ से ई स्क्वायर बटे में ले आएंगे क्योंकि हमें एन के मान की गणना करनी है, तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.1 × 10^-4 और ये बटे हो जाएगा 9 × 10^9 और गुड़े ई स्क्वायर इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दूसरे पक्ष में आए तो क्या अंडर रूट में बदल गया। अब अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो कि दो बार हो, गुड़े में दो बार हो। तो यहाँ से अगर हम देखें, थोड़ा इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो 10^ देखिए यहाँ से पहले हम पॉइंट हटाएं, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 10^9 है, ये 10^ आपका 10 हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट हटाने पर नीचे एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो का मतलब एक 10 बढ़ेगा और 10^9 एक 10 या 10^10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा एन इक्वल टू एक हो जाएगा, और 10^-4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10^-2 हाफ पावर बाहर निकलेगी, 9 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा। ठीक है, और 10^10 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10^5 बाहर निकलेगा, ई स्क्वायर ये दो बार है तो अंडर रूट से बाहर एक बार एक निकलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखें तो एन स्क्वायर टू ये हो जाएगा 1/3 गुड़े 10^5 और गुड़े 10^-2 और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10^-19। अब इसको आप बढ़िया अच्छे ढंग से सॉल्व कर लीजिए, ये एन स्क्वायर टू आपका हो जाएगा 1/16 कितना हो जाएगा 48.8। ठीक है ना, और गुड़े 10^-2 और गुड़े 10^+5 −19 − 14 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये n इक्वल टू ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/48 और गुड़े 10^-2 − 14, तो ये माइनस का 12 बचेगा और ऊपर जाएगा तो 10^+12 हो जाएगा। इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये 10 हुआ, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 यानी 5/24। ठीक है, और गुड़े 10^ ये आपका हो गया 12। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए 24 को 5 से, तो जब 24 को आप 5 से भाग करोगे, ज़रा ध्यान समझना, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, 24 × 2 = 48, दो बचा पॉइंट लगा जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो यहाँ बढ़ाओ, फिर यहाँ जीरो बढ़ाओ। अब ये 24 का पढ़ा कितनी बार पढ़ो कि 200 के करीब आ जाए, तो आप जानते हो ये 25 के करीब है और 25 × 8 = 200 होता है, यानी करीब करीब ही 8 बार जाएगा, तो 8 × 4 हो जाएगा 32 और 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 1992 होगा, तो ये आपका 8 बच जाएगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाइए 80 हो जाएगा। अब ये 24 × 2 = 48, ठीक है, और 24 × 3 कितना आपका हो जाएगा, 24 × 3 आपका हो जाएगा 72 है ना, तो तीन बार इसको ले जाइए या नहीं ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यहीं पर आप आंसर छोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू 0.208 तक लिखिए, आगे 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़िए इसको, गुड़े 10^12। ठीक है, तो ये n इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दीजिए 2.08 × 10^ जब पॉइंट इस तरफ खिसकेगा तो यहाँ पर 1 आपकी माइनस होगी क्योंकि आप पॉइंट एक अंक आगे खिसका रहे हो, तो ये आपका 11 हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2.08 × 10^11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है ना। ठीक, यहाँ पर देख कुछ नहीं किया गया है, ठीक है, एफ इक्वल टू आपका 0.1 न्यूटन, आर इक्वल टू 10^-2, ठीक है, एफ इक्वल टू 1/4 π/0 क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर फार्मूला लगा दिया गया, क्यू इक्वल टू आपका एन ई होता है तो क्यू स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया है। यहाँ से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक, जो कि इससे भी अच्छा रहेगा। अब इसी क्रम में हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखना। लिखा है +2 μC तथा +6 μC के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 N के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक आपका जो आवेश दिया है Q1 = +2 μC और Q2 दूसरा आवेश दिया है +6 μC। ठीक है, चूँकि सजातीय आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कितने न्यूटन के बल से, 12 N के बल से। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 μC का आवेश और दिया जाए
तो बल कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं, यानी आर का मान निकाल लेते हैं। तो हम किस सूत्र का यूज करेंगे, हम सूत्र का यूज करेंगे एफ स्क्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू 12 न्यूटन दी है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 9 इंटू 10 की पावर 9, सबको पता है। क्यू वन की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, और क्यू टू की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, माइक्रो का मतलब सब लोग जानते हैं 10 की घात माइनस 6 होता है, बटे आर स्क्वायर हमें नहीं पता है। यहाँ से अगर हम कैंची गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे संख्या संख्या पास पास कीजिए 2 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 12 से प्लस 9 हो जाएगा तो माइनस का 3 बटे, ये आपका 12 बटे में आ जाएगा और आर स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 दुनी 12, 12 से ये 12 कैंसिल हुआ, आर इक्वल टू अंडर रूट 9 गुणे 10 की घात माइनस 3। ठीक है ना, आर की वैल्यू जो आ गई अंडर रूट 9 गुणे 10 की घात माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर 9 तो निकल आएगा, 10 की घात माइनस 3 नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि यदि क्यू वन को यदि माइनस 4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए, तो जब माइनस 4 माइक्रो कूलम का आवेश दे दोगे तो इसके पार कितना बचेगा, माइनस 4 प्लस का 2, ये माइनस का 2 माइक्रो कूलम बच जाएगा, और इसको माइनस 4 माइक्रो कूलम का आवेश दे दोगे तो माइनस 4 प्लस 6 माइक्रो कूलम, ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम आवेश बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस की संख्या अधिक है ना और यहाँ पर माइनस की संख्या अधिक है, तो आपकी जो क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 माइक्रो कूलम, और क्यू टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस कंडीशन में दोनों के आवेश बदल गए, तो इन्होंने ये कहा है इस स्थिति में जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, यानी एफ का मान निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू सूत्र लगाएंगे 1/4πε₀ क्यू वन, क्यू वन के लिए कितनी है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, और क्यू टू के लिए कितनी है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, और बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहे आप डायरेक्ट रख दीजिए 9 गुणे 10 की घात माइनस 3, या आप अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आप यहां से क्या कर दीजिए 9 गुणे 10 की घात माइनस 3 रख दीजिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई पूरी पूरी। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एफ इक्वल टू 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 दुनी कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 और बटे ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 3, 9 से 9 कैंसिल हुआ, एफ इक्वल टू ये आपका बचा 4 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 3 और बटे 10 की घात माइनस 3, ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3 माइनस 3 10 की घात 0 यानी 1 मान हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 4। तो ये क्या था, बल था, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो 4 न्यूटन का बल लगेगा। ये कैसा बल होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों के आवेश क्या है, विपरीत हैं, यानी एक प्लस है एक माइनस है, और जब दोनों के आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा, छोटा क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक आधा क्वेश्चन बताने के बाद एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर नोट कीजिए पहले। चलिए अब इसी क्रम में अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 5 होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सरल होगा। लिखा है 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल नंबर हमारा 5 है, क्यों की वैल्यू दी है, वो दी है 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलाम। ठीक, आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, यानी एफ इक्वल टू दिया है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान तुम्हें फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है, ई का। तो आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, हमने पढ़ाया भी है, परिभाषा से ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, यही तो पढ़ाया था, यानी उस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, बताया था ना। तो यहाँ से E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दी है 2.25 न्यूटन, ठीक है, और क्यू नॉट यानी आवेश, परीक्षण आवेश दिया है आपका 5 गुणे 10 की घात माइनस 4। ई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2.25 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 4। इस पॉइंट को हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं,
अब यहाँ से अगर काटोगे तो 5 × 5 ठीक है, और 5 × 20 = 25 तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वल टू ऊपर हो जाएगा 45 और बटे में आपका 10^100 का मतलब 2, 10^2, 10^2, 10^-4 ये 10^-2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 45 × 10^+2 क्योंकि माइनस घात जब ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई इक्वल टू 45 × 10^2 का मतलब 100 अभी बताया, तो ये आपका हो जाएगा 4500। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि E बराबर F अपान क्यों होता है, F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल और इसी तरह का हम देखते हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए दिया है एक अल्फा कण जो है वो 15 × 10^-4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है कि जो है एक अल्फा कण जो है वो 15 × 10^4 ठीक है न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा कण है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आप लोगों ने निकाला था कि 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, अर्थात 3.2 × 10^-19 कूलाम होता है। ये आपको याद भी रखना है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, यानी 3.2 × 10^-19। तो यहाँ पर आपको लगने वाले वैद्युत बल एफ की गणना करनी है, सूत्र लगाना है ई इक्वल टू एफ अपान क्यू, ठीक है। क्यों की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू आपको पता है, F का मान निकालना, यहाँ से कैंची गुणा करना, तो ये आपका F इक्वल टू हो जाएगा E और Q। E की वैल्यू दिए 15 × 10^4 और Q की वैल्यू दिए 3.2 × 10^-19, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से आपको लगने वाले बल का मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसी क्रम में। हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7, ठीक है। 5.0 × 10^-8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पर हम इसको रफ कर दें जिससे आप लोग समझ जाएं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित एक आधे न्यूमेरिकल आ जाते हैं और ये 2 नंबर में आते हैं लगभग में, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इन्होंने कहा है कि जो आवेश की वैल्यू न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो इन्होंने कहा है कि 5.0 × 10^-8 कूलाम है, ठीक है। और कहा है कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी, यहाँ पर दूरी का मान पूछा है। अब आपको E इक्वल टू एफ अपान क्यू थोड़ी लगाना है, आप लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है। यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 πε0 q/r², ठीक। ये आप लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था। यहाँ से अगर देखें तो E की वैल्यू हमें 450 दे रखी है और 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9×10^9। अगर क्यों आवेश की बात करें तो यहाँ पर आवेश की वैल्यू दी है 5×10^-8, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो आर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा इक्वल टू 9×10^9 × 5×10^-8 और बटे में ये आपका 450 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 9×5 = 45 तो ये आपका पूरा कट जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10^1 और ये 10^9 तो ये 10^8 बच जाएगा ऊपर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 10^8 और × 10^-8, ठीक है। तो 10^-8 + 8 ये 10^0 यानी ये 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाएगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा √1 और 1 का √1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो R इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर। मीटर क्यों आएगा, क्योंकि जो मात्रक हमारे दिए हुए हैं वो एम के एफ पद्धति में दिए हुए हैं, तो जो दूरी का मात्रक आएगा वो भी आपका एम के एफ पद्धति में आ जाएगा, यानी 1 मीटर आ जाएगा। इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए 1 मीटर, ठीक है ना। तो आज के न्यूमेरिकल्स आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और बता देंगे, उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो गए सारे, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके और बचे हैं जो कि इसके अगले पार्ट में हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।